नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक टीवी कलाकार को नकली पुलिस बन बुजुर्गों को लूटने के आरोप में पकड़ा है। खास बात यह है कि उसकी गिरफ्तारी देहरादून पुलिस की सूचना पर हुई। सलमान नाम के सह अभिनेता ने छत्रपति राजा शिवाजी, सावधान इंडिया जैसे सीरियलों के अलावा गुलम कई और बहन चोर जैसी फिल्मों में भी चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई। क्राइम ब्रांच के मुताबिक बुजुर्गों को पुलिस बन ठगने के लिए ये हवाई जहाज से चंडीगढ़, देहरादून और उत्तर भारत के शहरों में जाता और वारदात को अंजाम देकर वापस मुंबई आ जाता था। आपको बता दें कि 40 साल के चरित्र अभिनेता सलमान उर्फ जाकिर ने 30 दिसंबर को देहरादून के पटेल नगर में एक बुजुर्ग महिला को पुलिस बताकर ठगा था। सलमान ने उस महिला को डराकर 5 लाख रुपए कीमत के गहने चोरी कर लिए थे। देहरादून पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उस शातिर चोर के मुंबई में छुपे होने की जानकारी निकाली और मुंबई क्राइम ब्रांच को सूचित किया, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 8 ने अपनी तहकीकात के जरिए ओशिवारा में उसका ठिकाना खोज उसे पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच के DCP अकबर पठान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नागपुर शहर में 3 और उत्तराखंड में 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी सलमान को उत्तराखंड पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि उसके दूसरे साथी की तलाश जारी है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।